हेलो गाइस, वेलकम टू ज़ुकोर गेम्स। मैं हूँ ज़ुकोर और आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ अपनी सेटिंग्स। जी हाँ, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंपेयर किया था 60 FPS वर्सेस 90 FPS, और मुझे ऐसा लगता है कि भैया 60 FPS जो है ना, उस पर ज़्यादा स्टेबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू 90 FPS। क्यों फालतू में बर्डन डाले यार PC पे, जब 60 FPS में आप अच्छे खासे खेल सकते हो तो प्रॉब्लम नहीं है ना, अपन 60 ही रखेंगे फिर। तो काफ़ी पब्लिक ने मुझे कमेंट किया कि भैया 60 FPS में आपकी सेटिंग्स क्या है, आप मतलब गेम में कौन सी सेटिंग यूज़ करते हो, आप गेम लूप पे कौन सी मतलब TGB टेंशन गेमिंग बड़ी में आप कौन सी सेटिंग यूज़ करते हो। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को अपनी सेटिंग्स दिखाऊंगा और आप लोग वो चेक करना, आप लोग भी ट्राई करना, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग का भी सब फर्स्ट क्लास मस्का चले। तो बेसिकली ये लो एंड PC के लिए, लो एंड मतलब मेरा कहने का मतलब लो एंड मतलब 2 GB RAM वाले PC नहीं है भाई, नहीं चलने वाला उसके अंदर, मत मगजमारी करो। 4 GB RAM कम से कम होना चाहिए PUBG खेलना, तो एंट्री लेवल का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। भले आप 610 यूज़ करो, भले आप ऑनबोर्ड वाला यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर डुअल कोर प्रोसेसर आपका तो कम से कम 3.2 GHz या फिर 3.2 GHz के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप जो टेम्प फाइल वगैरह डिलीट करते हो वो डिलीट करो, बहुत ज़रूरी है। वो सब मैं दिखाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ अपनी सेटिंग्स वगैरह दिखाऊंगा। और विंडोज़ को परफॉर्मेंस मोड पे रखो यार। आप कैसे करोगे, यहाँ पर स्टार्ट पे जाओ, परफॉर्मेंस टाइप करो, एडजस्ट द अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ विंडोज़। ये टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, मैंने यहाँ पर एक्चुअली जो लास्ट ऑप्शन होती है, थर्ड ऑप्शन होता है ना एडजस्ट फॉर द परफॉर्मेंस, ये इस पर आपको चेक मार्क करना है और अप्लाई करना है। इसके बाद में एडवांस में जाना है, जिसके पास यहाँ पर हम लोग वर्चुअल मेमोरी बढ़ाने वाले हैं। ये आइडिया मुझे अपना जो मोनिल है ना, टेक विद मोनी चेक करो, उसने मुझे ये आइडिया दिया था और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है एक्चुअली। तो आपका जो वर्चुअल मेमोरी है ना, वो थोड़ी सी ढंग की होनी चाहिए। अगर आपके पास डिफ़ॉल्ट है तो इसका चेंज कर लो आप। मैंने यहाँ पर 20 GB या फिर आप बोल सकते हो कि 20,000 MB मतलब के 20 GB, ठीक है, तो 20,000 MB मैंने ऊपर रखा हुआ है, 20,001 MB मैंने नीचे रखा हुआ है। ये जो चीज़ है ना, ये आपका सी ड्राइव का स्पेस खाती है, इतना याद रखना, ठीक है। कम से कम 20 GB आपका सी ड्राइव का स्पेस खा रही है ये। तो अगर आपके सी ड्राइव में स्पेस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कम रख लो यार, 16 GB रख लो, 16,000 MB रख लो आप, 16,001 नीचे रख लो। तो इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट ये बहुत कम होता है, 2,000 और 10,000 ऐसा कुछ रहता है वो, तो वो बहुत कम है, उससे काम चलने वाला नहीं है। तो आप ये देख लो, इसको ओके कर दो, ठीक है। इसको ओके करने के बाद में सब ओके करके फिर अपने टेम्प फोल्डर वगैरह सब क्लियर कर लो, जो भी दोनों टेम्प फोल्डर मतलब परसेंट 10% और नॉर्मल जो विन की और आर से हम लोग टेम्प फाइल करते हैं वो सब क्लियर कर लो बस। और क्या, उसके बाद में बस गेम के अंदर की सेटिंग देखेंगे अभी। तो मैंने अपना गेम लूप या फिर TGB जो है मैंने उसको ऑन किया है, ठीक है। अब TGB की सेटिंग कैसी है मैं बताऊँ, ये तीन बिंदी पे क्लिक करो, सेटिंग पे जाओ। ओके, सेटिंग पे गया मैं, सेटिंग में इंजन के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, स्मार्ट मोड रखा हुआ है। नई अपडेट आने के बाद में, लास्ट 2-3 दिन पहले जो हम लोग ने अपडेट की थी ना, उसके आने के बाद में स्मार्ट मोड बढ़िया चल रहा है, मतलब डायरेक्ट टेक्स प्लस बढ़िया चल रहा है एज़ कम्पेयर टू ओपन जी एल प्लस। ट्राई करो ना आप लोग भी यार, ये मैंने इसको चेक मार्क किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट 4 चेक मार्क किया हुआ, लास्ट वाला चेक मार्क नहीं किया हुआ। एंटी अलाइजिंग क्लोज रखी हुई, मेमोरी मैंने 8 GB डाला, प्रोसेसर मैंने पूरा डाल दिया 4 GB। रेजोल्यूशन जो आपका मॉनिटर का रेजोल्यूशन वो यहाँ पर आप रखो, अगर समझ में नहीं आता तो सबसे बढ़िया ये 1280x720, जिसका भी मॉनिटर छोटा वाला है वो 1280x720 या फिर जो भी मॉनिटर रेजोल्यूशन वो रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और DPI मैंने 240 रखी हुई है। गेम के अंदर यहाँ पर मेरा मॉनिटर बड़ा है भाई, 22 इंच का है, तो मेरे को छोटा, अगर मैं उसको SD करता हूँ ना तो 720 तो काफ़ी बड़ा बड़ा दिखता है, मेरे को जमता नहीं है वो। जिसका छोटा मॉनिटर है या फिर जिसका रैम कम है, 4 GB के अंदर रैम है, तो आपको 720p रखनी है गाइस, ठीक है, 720p। और ये देखो, मैंने यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी ऑटो रखी हुई है, अपने आप एडजस्ट करने दो। और FPS को मैंने 60 पे मार्क किया हुआ ऐसे, ठीक है, दैट्स इट। बस यही सेटिंग है मेरी TGB की। तो मैं इसको ओके कर दे, मतलब मैंने इसको ओके ऑलरेडी किया हुआ है, तो मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है। अब गेम के अंदर की सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं गेम स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, PUBG मोबाइल।
ओके गाइस, तो मेरा गेम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इन गेम, और हाँ, जिनको भी लोडिंग का इशू आ रहा है ना, मतलब गेम लोड होने में बहुत टाइम लग रहा है, उनके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन एक ही है, वो है ये, यहाँ से जाओ और ये क्लियर कैश ये कर दो भैया, ये बहुत ज़रूरी है। क्लियर कैश करने से आपका जो अननेसेसरी बकवास चीज़ें जो फाइल में है, जैसे कि अभी नई अपडेट आई है, नई अपडेट आई है तो पुरानी चीज़ें वो ओवरराइट हो चुकी है, पर वो क्या है ना, सिस्टम उसका बैकअप रख देता है, तो क्लियर कैश में सब बैकअप वगैरह सब क्लियर हो जाता है, और बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। तो गाइज, क्लियर कैश करने से आपका जो सिस्टम का जो अननेसेसरी फाइल्स वगैरह वो सब क्लियर हो जाती है, तो उससे भी आपकी लोडिंग जो स्पीड होती है ना वो बढ़ती है एक्चुअली। तो क्लियर कैश करो जिसको भी लोडिंग का इशू आ रहा है। बाकी गेम गेम सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सेटिंग्स मैंने इस तरह रखी हुई है, बेसिक वगैरह तो ठीक है, ग्राफिक्स इंपॉर्टेंट है। मैंने बैलेंस रखा हुआ है, जो भी 8 GB या फिर उसके ऊपर यूज़ करता है वो बैलेंस HD यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको HD मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो भी 4 GB वाला लेना गाइज, आपको स्मूथ एंड एक्सट्रीम यूज़ करना है, बाकी लोगों को बैलेंस HD कुछ भी यूज़ करो, एक्सट्रीम यूज़ करो। बैलेंस मेरे ख्याल से बेस्ट है, ऑटोमेटिकली ले लेता है, तो इसके लिए मैं ये यूज़ करता हूँ। जो स्टाइल है वो मैं कलरफुल रखता हूँ ताकि चीज़ें ब्राइट दिखे। शेडो मैंने ऑफ करके रखा हुआ है, एंटी अलाइजिंग भी ऑफ करके रखा हुआ है, और ऑटो एडजस्ट ग्राफिक, मतलब कि अगर सपोज़ जहाँ पर सिस्टम को प्रॉब्लम हो रही है ग्राफिक को रेंडर करने में, जैसे कि हम लोग पैराशूट से कूदते हैं, बिल्डिंगें दिखाई नहीं देती है, उसके लिए ऑटो एडजस्ट, मतलब जब नीचे आते हो तो वो अगर वो दिखाई नहीं देती तो फटाफट उसको एडजस्ट करता है वो, और जो भी पॉसिबल इमेज होती है आपको दिखाता है, तो उसके लिए ऑटो एडजस्ट होता है, ठीक है। तो ये इन गेम सेटिंग है, दैट्स इट। बाकी सेटिंग कौन सी दिखा रही है यार, मेन सेटिंग तो यही है, बस यही चीज़ है बस। इसके बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ पर शो FPS करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको FPS मिलेगी बढ़िया वाली एकदम। तो मेरा बहुत छोटा दिखता है FPS, कैसे बड़ा कैसे दिखेगा ये, अगर मैं सपोज़ ये करता हूँ और सेटिंग पे जाता हूँ, ये देखो दिख रहा है, लॉबी में मुझे मतलब कि 50+ FPS मिलती है, 59 तक मिलती है, 57 रहती है, 57-59 रहती है, और इन गेम मुझे 50+ FPS मिलती है। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट मैच खेलते हैं तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है FPS, मतलब उस चीज़ को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, बट वो स्टेबल हो जाती है, तो इसको थोड़ा टाइम दो और आप लोग भी ये सेटिंग यूज़ करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसको स्टार्ट करने से पहले गेम को मेक श्योर कि आपने अपने विंडोज़ को ऑप्टिमाइज़ किया है, तो परफॉर्मेंस मोड पर जाके वो दोनों चीज़ें जो है वो, और वर्चुअल मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका रैम कम है तो भैया वर्चुअल मेमोरी से सपोर्ट दो, हार्ड डिस्क से भी, हार्ड डिस्क की मेमोरी भी वो यूटिलाइज़ करता है चीज़ों को, मतलब के चीज़ों को चलाने में, गेम को चलाने में वगैरह वगैरह जो भी है प्रोसेसिंग में, तो वो सब मेमोरी भी वो इस्तेमाल करता है, तो उसको वर्चुअल मेमोरी दो अच्छी खासी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वर्चुअल, तो सी ड्राइव के अंदर जितना हो सके उतना स्पेस रखो, डेस्कटॉप वगैरह क्लटर मत रखो। तो गाइज, डेस्कटॉप एकदम क्लियर रखो, स्टार्ट के अंदर आपको सब चीज़ें मिलती है, टाइप करो जो चाहिए वो खुलता है, ओपन करो, खेलो, मज़े करो यार। तो दैट्स इट, ये थी मेरी सेटिंग्स जो मैंने आप लोग के साथ में शेयर की, आई होप कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा, और हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट करो, नहीं हुआ होगा तो भी कमेंट करो, अपन मिलकर सॉल्व करेंगे उस चीज़ को। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और गाइज कम्युनिटी में जो पोस्ट किया उसको थोड़ा सपोर्ट करो यार, मेरे को 500 चाहिए, 500+ चाहिए, टोटल 500 भी चलेगा यार, ठीक है, अभी 350 कुछ हुआ है, तो 500 तो पहुँचाओ, तब जाके मैं सोचूं कि हाँ गेमिंग चैनल अलग होना चाहिए, टेक चैनल अलग होना चाहिए, तो उस चीज़ पे अपन काम करेंगे, फिर होमवर्क करेंगे थोड़ा अच्छा खासा, ठीक है। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।